ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम फिर से श्री चंद्रशेखर साहू जी से फिर एक दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। साहू जी, ये बताएं कि ये आप लगातार जैसे सांसद रहे, विधायक रहे, बीच में जब कृषि मंत्री रहे हैं, आप कृषि मंत्री रहते, श्रम मंत्री रहते, बहुत सारे योजनाओं को आप लाभान्वित किया, किसानों को भी इसमें लाभ मिला है, श्रम के क्षेत्र में भी श्रमिकों को भी इसमें बहुत सारे लाभ मिले, किस तरह से आपने उसको? एक तो नया कृषि बजट लाया, नई कृषि नीति, नया कृषि विश्वविद्यालय कामधेनु विश्वविद्यालय, और कृषि के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास है। और बोनस जो पहली बार उस समय मिला, हम कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं 2009 में, और वहाँ से लेके बहुत सारे योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का हम लोगों ने प्रयास किया है। डेयरी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, और इसीलिए कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को उस समय से मिलना चालू हुआ था। और इसके साथ साथ श्रम में भी महिला श्रमिकों के लिए, उसके लिए कोई 20 योजनाएं हमने लागू की, साइकिल सिलाई मशीन से लेके उनके शादी ब्याह तक के उनको एक प्रकार से स्वावलंबन की दृष्टि से उनको सहायता, और उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा, ये सब काम अभी चल रहे हैं और अभी तेज़ी से चल रहा है। ये सारी योजनाओं का एक प्रकार से डिजाइन करने के साथ साथ उसको शुरुआत करने का काम उस समय हम लोगों के जिम्मे था, उसको हमने पूरा किया और लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। कभी भी हम ये सोच के कि हम इसके चुनाव में ही लाभ होगा, ऐसा नहीं। सचमुच में लोगों के मन गरीब के आँख के आंसू को कैसे पोंछें, ये हमारे पंडित दीनदयाल जी हो, महात्मा गांधी हो, हमारे अन्य नेतृत्वकर्ता हो, ये उनका सोच रहा है, उस सोच को हम लोग उतारने का प्रयास किए। दूसरा ये था कि जैसे प्रधानमंत्री जी जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, डिजिटल के क्षेत्र में बहुत आगे चाहे भारत हो, और उसके साथ साथ अंगीकार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जी। तो डिजिटल के क्षेत्र में अब और जैसे डिजिटल इंडिया का जो एक नया अवधारणा आया है, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, जिसमें लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर के कार्य से, कागजी कार्य से मुक्त होके अपने नए तकनीक से साथ काम करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल आईटी के क्षेत्र में, और इसलिए ये डिजिटल इंडिया को डिजिटल विलेज तक ले जा रहे हैं कि हम सब काम लोगों को जल्दी डिलीवरी, इसका मतलब है जल्दी से हम डिलीवरी लोगों को दे सकें, अपने चाहे वो राशन से हो जुड़ा हो, चाहे छात्रवृत्ति से जुड़ा हो, चाहे और कोई कार्य हो, यदि हमने डिलीवरी देने का काम ठीक किया है तो वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ठीक प्रकार से हो सकता है। और कल ही मैं गांव में देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ डिजिटल विलेज, मुझे अच्छा लगा, गाँव वाली की रुचि उसमें जागृत हो, और इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ ने काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। ODF के क्षेत्र में आते हैं, अब ODF का अभी सबसे बड़ा है कि शौच मुक्त जो है हर सब जगह होना चाहिए, और हर घर घर में शौचालय के लिए स्थापना की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, तो अभी भी आप आज ही आप तूता गांव भी जी, जी आज ही हम लोग ODF घोषित करने के लिए गाँव तूता, जहाँ पर राज्योत्सव स्थल है, नया राजधानी है, नया रायपुर है, वहाँ गए थे। वहाँ लोगों ने बहुत उत्साह के साथ ODF उत्सव में शामिल होकर एक प्रकार से सरकार के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। वहाँ पर सभी अधिकारीगण भी थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे कार्यकर्तागण थे, लोग थे, और इसके पीछे भाव ये है कि हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ये केवल नारा ना रहे, क्योंकि यदि स्वस्थ भारत रहेगा तो समर्थ भारत बनेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, यदि स्वस्थ और स्वच्छ भारत रहे, स्वच्छ गांव रहे, स्वच्छ नगर रहे, तो हम लोग का जीवन भी स्वस्थ होगा, और ये हमारे लिए इस शताब्दी की बहुत बड़ी चुनौती है, बीमारियों से लड़ने, उससे उबरने का, और स्वच्छता को अपने जीवन में, दिनचर्या में उतारने का। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान SBM ये भारत सरकार का और मोदी जी का बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरा, ये स्वच्छ भारत के लिए एक दूसरे दृष्टिकोण से जुड़ा जाए तो गांव-गांव में पहले बहुत सारे अपराध भी इसी में होते थे, तो क्या अब उनसे भी निजात पाने के भी एक? हाँ, उसमें भी एक प्रकार से कमी आएगी, क्योंकि लोगों का ध्यान दूसरे तरफ जाएगा,
हम सफाई अभियान से लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है जी। तो और आगे अब सामने चुनाव हैं 2018 में जो चुनाव हैं उसके लिए अब पार्टी तो पूरी तरह से तैयार हो गई है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक माना जा रहा है, भाग माना जा रहा है, जो पहले भी भाजपा पिछले चुनाव में भी इसका बहुत असर दिखाई है, तो इस बार उस सोशल मीडिया को और किस दृष्टिकोण और कितना सोशल मीडिया को बहुत नीचे स्तर ले जा रहे हैं, मंडल स्तर पर ले जा रहे हैं, सभी जगह सोशल मीडिया का ग्रुप बन रहा है और उसमें जो भी बातें हैं पार्टी के कार्यक्रम हैं वो तुरंत पहुंचाया जा रहा है, वहाँ के जो कार्यक्रम हैं उसको वहाँ तक लोगों के तक जा रहा है। अभी वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य हमारे संगठन के पदाधिकारीगण इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम सोशल मीडिया को लें, और जो भी वर्तमान में हमारे पास एक प्रकार से उपलब्ध संसाधन है, जो फेसबुक है तो व्हाट्सएप है, तो इसका ग्रुप बना के सोशल मीडिया के तहत हम अपनी नीतियों को लोगों तक ले जाएंगे। सर चलते चलते एक सवाल ये रहा कि आप वित्त विभाग आप के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग को अभी दो क्षेत्रों में ही सीमित किया गया है, एक तो है नगरीय निकाय, दूसरा है पंचायती राज, इन दोनों के क्षेत्र में जो राज्य सरकार से कितना राशि किस प्रकार से मिलना चाहिए इसकी अनुशंसा, इसका विश्लेषण, इसकी पद्धति, इस हेतु ये वित्त आयोग का गठन हुआ है जिससे पंचायती राज सशक्त हो और लोकतंत्र की जो इकाइयां हैं, मूल इकाइयां हैं, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये मजबूत हो, इस काम को दिया गया है जिसको हम लोग पूरा करने में लगे हैं जी। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर साहू जी से, अब तक सभी विषयों पर हमने चर्चा की, चाहे भारत के क्षेत्र में हो या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हो, सभी विषयों पर चर्चा करते हुए हमने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की और आप तक पहुंचाया भी। अगले कार्यक्रम में हम फिर अगले अन्य शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।